अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बनाती हूँ लज़ानिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। एक पहली वीडियो मैंने डाली थी जिसमें क्विक रेसिपी थी लज़ानिया की, लेकिन उससे कम्प्लीटली पता नहीं चलता। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं लज़ानिया, फिर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लज़ानिया की रेसिपी की तरफ, और पहले इसके इन्ग्रीडियंट्स और फिर उसके बाद इसकी रेसिपी। तो आइए चलते हैं लज़ानिया की तरफ। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले हमें चाहिए लज़ानिया शीट्स, ठीक है। इसके अलावा चिली सॉस, और ये हमें चाहिए ओरिगानो, ठीक है, थोड़ा सा डलेगा ओरिगानो। इसके अलावा ये तो होगी लेयरिंग की चीज़ें, और उसके अलावा हम बनाएंगे वाइट सॉस। बाकी के इन्ग्रीडियंट्स में हमें चाहिए कैप्सिकम, प्याज चाहिए हमें, इसके अलावा चेडर चीज़ चाहिए, टमाटर चाहिए, मैदा चाहिए, और इसमें डलेगी चिकन। बोनलेस चिकन ले लें आप हाफ़ के जी के करीब, और हमें चाहिए हाफ लीटर दूध और मोज़रेला चीज़। इसके अलावा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिली सॉस, रेड चिली फ्लेक्स, और हमें चाहिए लहसुन। लहसुन आप कुटा वाले लें, पिसा वाले लें, थोड़ा सा चाहिए हमें, जो कि हम स्टार्ट में ब्राउन करेंगे और उसके अंदर चिकन को हम फ्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हैं जी सारे इंग्रेडिएंट्स, और अभी वाइट सॉस बनाते हुए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स अलग करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। तो चलते हैं जनाब अपनी रेसिपी की तरफ, अब इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको मैं एक दिखा दूँ मामा का प्लांट, क्योंकि मामा को प्लांट्स बहुत पसंद है, इसलिए उनके घर में जगह जगह पर प्लांट्स ही होते हैं, और वो अपने किचन में, बेडरूम में हर जगह प्लांट्स रखती हैं। जैसे कि एक और प्लांट है उनका, ये पड़ा हुआ है, और वैसे इस माइक्रोवेव पे भी प्लांट्स होते हैं, लेकिन आज ये भी एक डॉग हाउस पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्लांट्स नहीं है। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, और सबसे पहले हम बनाते हैं वाइट सॉस, और उसके बाद हम आएँगे चिकन के काम के ऊपर, ठीक है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लज़ानिया को एक खुले बर्तन में बॉयल कर लेते हैं, और इसको बॉयल करने रखती है, और अब हम बनाते हैं अपना वाइट सॉस। तो वाइट सॉस के इंग्रेडिएंट्स में जो है, जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको पहले अलग से बता देती हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये देखें जी, बिया खेल रही है, और ये बाहर से डिफरेंट चीज़ें लेके आ रही है। चलें जी व्यूअर्स, चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 3 से 4 चम्मच, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और ब्लैक पेपर। फिर हमें चाहिए थोड़ी सी चीज़, और ओरिगानो चाहिए। ओरिगानो ये बॉटल आपकी काफ़ी सारी डिशेस में चलेगी, ठीक है। और हमें चाहिए जी आधा लीटर के करीब दूध। तो ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें चाहिए वाइट सॉस बनाने के लिए। वाइट सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए 3 चम्मच मैदे के, और ये आप एक पैन में डालें। पैन में अगर आप मक्खन डालें तो बहुत अच्छा, उसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। मेरे पास मक्खन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल लिए, और उसमें मैंने डाले हैं 3 टेबल स्पून्स मैदा, और इसको मैंने थोड़ा सा भून लेना है, बहुत ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा पकाना है, इतना कि ये नॉर्मल इसका जो वाइटिश पार्ट है ना सारा, ये पक जाए एक दफ़ा, ठीक है। इसको बना के जैसे ये पकेगा, आपने फ्लेम को बंद कर देना है, ठीक है, और दूध हम उसके बाद बंद चूल्हे पे ऐड करें। अब फ्लेम बंद करके इस पर आहिस्ता आहिस्ता आपने दूध डालना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, और जितनी भी इसकी गुठलियाँ सी बन रही हैं उसको तोड़ देना है मैदे की, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप चम्मच हिलाते जाएंगे तो ये मैदा इसके अंदर डिज़ोल्व होता जाएगा, ठीक है। दूध अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और दूध भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने एक बड़ा गिलास दूध का डाला था लेकिन मुझे कम लगा है, तो मैंने एक गिलास और दूध का डाल दिया, ठीक है, तो वो हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध हो गया। अब इसको आपने ये गुठलियाँ इसकी तोड़ देनी है, ठीक है, क्योंकि मैदे में जब ये गुठलियाँ रह जाएंगी तो वो आपके खाने में आएंगी जो अच्छी नहीं लगती, तो इसको बिल्कुल बैलेंस कर लेना है। फिर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, ठीक है। नमक के बाद आप डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें, मतलब वैसे रेसिपी में यह है कि आप 1/2 टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू योर टेस्ट कि आपको मिर्चें कितनी पसंद हैं। कुछ लोगों को काली मिर्च ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। उसके बाद आपने डालना है 1/2 टीस्पून ओरिगानो, ठीक है, ओरिगानो डाल के उसके बाद आप डालेंगे थोड़ी सी इसके अंदर चेडर चीज़। चेडर चीज़ आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें और वो डाल दें। चीज़ ऑप्शनल है, कुछ लोग बस चीज़ नहीं होती तो वाइट सॉस बनाते ही नहीं है, लेकिन चीज़ के बगैर भी वाइट सॉस बन जाता है, लेकिन ये है कि चीज़ से वाइट सॉस बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अब आपने फ्लेम ऑन कर लेना है,
ठीक है। और अब आप आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएं और इसमें चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, और इसको आप बॉयल होने तक पकाएं, ये इतना बॉयल हो जाए कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए, तो आपका वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको पकाते हैं और वाइट सॉस को रेडी करते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये देखें जी, ये मैंने इसको बोल के अंदर निकाल लिया। और अब हम लज़ानिया का चिकन की तरफ चलते हैं, चिकन की मेकिंग की तरफ। अब हम रेडी कर लेते हैं लज़ानिया की वेजिटेबल्स। और इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल का डाल लिया, और अब हम डालेंगे इसके अंदर ये एक अनियन, ठीक है, ये डालें। जैसे ही अनियन अपना कलर चेंज करने लगेगा, हमने इसके अंदर डाल देनी है एक बड़े साइज की कैप्सिकम, ठीक है। इसको भी हमने क्यूब्स में काट लिया था, देखें अनियन ने पर्पल से ये वाइट हो गया। और अब बारी आ गई है कैप्सिकम की, इसके साथ ही हम ये एक इसके अंदर कैप्सिकम डाल देंगे, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। इसके साथ जाएगा वेजिटेबल में अब पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, और ये हमने तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई किया और ये इतना सा हमें इसको फ्राई करना है। ये चिली सॉस इसके साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। बस अब ये रेडी है, और अब बारी आएगी चिकन की। ये देखिए कैप्सिकम को कि ये आधा जो है पका हुआ है और आधा कच्चा है, ठीक है। इसके साथ आप ओवन को ऑन कर लें ताकि वो प्री हीट हो जाए। तो व्यूअर्स, अब बारी आ गई है चिकन की। चिकन के लिए भी मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल लिए हैं, और उसके अंदर 4 जवे लहसुन के मैंने बिल्कुल छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, और उनको डाल दिया मैंने पैन में। और अब जैसे ही अपना कलर थोड़ा सा चेंज करेगा गार्लिक, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन को, ठीक है। हमारे पास 1/2 kg बोनलेस चिकन है, और अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें चिकन ने, ये सॉरी गार्लिक ने अपना कलर थोड़ा चेंज कर लिया, और ये हमने डाला इसके अंदर चिकन, ठीक है। अब चिकन को मैं साथ साथ थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और इसके साथ साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, इसके साइज में सॉल्ट है, और हम 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है। अब इसको हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अब जब चिकन की देखें ये फॉर्म है, तो हम इसके अंदर डालेंगे ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि सारा वाइट सॉस होता है और चीज़ होती है, तो इससे थोड़ा स्पाइस इसमें बन जाएगा, ठीक है। जैसे तो रेड चिली फ्लेक्स हमने डाले थे लेकिन कम डाले थे, तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस के। और अब इसको हमें थोड़ा सा भूनना है, भून के, और बस फिर हम इसको उतारेंगे और असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको निकालती हूँ पैन से, और फिर असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, अब बारी आ गई है असेंबलिंग की। असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं हम वाइट सॉस से। वाइट सॉस रेडी है, वेजिटेबल्स रेडी हैं, चिकन रेडी है, और लज़ानिया शीट्स हमने उबाल के धो के और एक ट्रे में यूँ लंबी रख ली थी, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले लेयर लगाएंगे हम ट्रे के अंदर वाइट सॉस की। आपने शीट्स उतनी ही बॉईल करनी है जितनी आपकी ट्रे, ट्रे का साइज़ करने और उसके हिसाब से। पूरा पैकेट आपने बॉईल नहीं करना, हो सकता है कि आपकी ट्रे छोटी हो, जैसे मेरे पास छोटी ट्रे है, तो इसमें एक पैकेट से 2 दफ़ा लज़ानिया बन जाता है, तो बाकी शीट्स आपकी वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए सबसे नीचे आपने ये ट्रे के अंदर लगाया वाइट सॉस, ठीक है। वाइट सॉस को थोड़ा ऊपर तक कर लें ताकि आपकी शीट्स ड्राई ना रह जाए, ठीक है। ये करेंगे आपने, सबसे पहले आपने लज़ानिया शीट की एक लेयर लगाई, ठीक है। जब आप धो के रखेंगे तो फिर ये इशू नहीं आएगा,
ठीक है, जो शीट ट्रे से एक्स्ट्रा है उसको आपने काट लेना, ठीक है। और ये पीछे हमारी बिया है जो सॉन्ग कर रही है ना 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 ना। और अब इसके ऊपर आपने थोड़ा सा वाइट सॉस लगा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आ गई चिकन की। अब आपने एक लेयर लगानी है चिकन की, ठीक है। और चिकन की ये हम चिकन स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। ये आ गया हमारा चिकन, ठीक है। चिकन के साथ ही चिकन के ऊपर आप थोड़ा सा चीज़ डाल दें ताकि उसके अंदर की लेयर्स में भी थोड़ा चीज़ का टेस्ट आ जाए, ठीक है। चीज़ डालने के बाद आपने इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी वेजिटेबल्स इसके ऊपर। लज़ानिया में सबसे ज़्यादा जो स्मेल आती है वेजिटेबल्स में अच्छी, वो अरोमा होता है इसका कैप्सिकम का या फिर प्याज का। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मुझे तो नहीं पसंद, लेकिन आप अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसके अंदर गाजर भी डाल सकते हैं। चलें जी, ये डाल गया। अब हमने डालना है इसके अंदर थोड़ा सा चिली सॉस, क्योंकि वाइट सॉस से ये बहुत ज़्यादा वो वाइटी वाइटी हो जाता है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस के बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट सॉस डाल देना है, ठीक है, जो इसके फ्लेवर को बैलेंस कर देगा। अब जी बारी आती है दोबारा एक लेयर शीट्स की लगाने की, ठीक है। ये हमने लगा दी लज़ानिया शीट्स, ठीक है। और इस शीट के को अब हमने वाइट सॉस से भरना है, क्योंकि नीचे वाइट सॉस हो गया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे वाइट सॉस। और ये साइड्स आप देखिएगा कि वाइट सॉस अच्छी तरह लगा हो, वरना बेक होते हुए ये जो शीट्स है ना, ये हार्ड हो जाती हैं साइड से, तो ट्राई कीजिएगा कि ये हार्ड ना हो, ठीक है। ये हमने कंप्लीट इसमें लगा दिया वाइट सॉस। वाइट सॉस के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी वेजिटेबल्स और डालेंगे, ठीक है। ये हमने डाल दी थोड़ी सी वेजिटेबल्स, क्योंकि कैप्सिकम इसके अंदर बेक होगी तो उसका और अच्छा टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, हमारी बिया खेल रही है कितने मज़े से, ये लगी हुई है अपने साथ ही। और बिया क्या कर रही हो, बिया क्या कर रही हो, कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा जी, चलें जी, अब हम कंप्लीट करते हैं अपना लज़ानिया, ठीक है। इसके बाद हमने इसके ऊपर शीट्स की एक और लेयर लगा दी, ठीक है। चलें जी, ये जो एक्स्ट्रा है इसको आप काट लें, ये तोड़ लें साइड से, ठीक है। और ये हो गया। अब हमने जो हमारे पास चिकन का बैटर बच गया है वो इसके ऊपर पूरा डाल देना है। और इसको हमने कर देना है सॉरी, इसको हमने स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो वेजिटेबल्स बची हुई हैं हमने वो सेट करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद बारी आ गई थोड़ी सी चीज़ जो कि लेयर्स के अंदर होगी। और फिर बारी आती है वाइट सॉस की, ठीक है। थोड़ा सा वाइट सॉस इसके अंदर डालेंगे, लेयर्स में बहुत ज़्यादा वाइट सॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। शीट को ऊपर से वाइट सॉस से कवर होना चाहिए ताकि शीट्स आपकी हार्ड ना हो, ठीक है। ये आपने रखी इधर, ये जो थोड़ा सा पीस बच गया था वो इधर, और ये एक फाइनल शीट हमने रख दी लज़ानिया की यहाँ पे, ठीक है। साइड हमने इसकी कट कर दी और ये हमने रख दी इधर। जितना वाइट सॉस हमारे पास बच गया है वो पूरे की अब हम इसके ऊपर लेयर बिछा देंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे सेट कर लेंगे, ये वाइट सॉस से फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। पूरा इसके ऊपर हमने वाइट सॉस स्प्रेड किया। और वाइट सॉस आप इससे भी थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं, ये कुछ थोड़ा थिक ज़्यादा हो गया। बिया आ गई हो आप? हाँ। मैं कहाँ बना रही हूँ? आप आ रही हो? मैं लज़ानिया बना रही हूँ। ये यमी, बताओ। ये भी आपको बताती हूँ। चलें जी, अब हमारी फाइनल टॉपिंग आ गई चीज़ की। और ये हमने इसके ऊपर भर के चीज़ डाल दी है, ठीक है।
ये है जी चीज़ बिया। चलें जी, ये चीज़ आ गई। और फाइनल चीज़ अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो को इस तरह स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है। बस दैट्स इनफ। अब हमारी डिश ओवन में जाने के लिए रेडी है, ठीक है। ये देखिए जी, प्री हीटेड ओवन है और उसके अंदर अब मैं ये लज़ानिया को रख रही हूँ, ठीक है। और अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट्स के बाद, क्योंकि 15 मिनट्स हमने इसको बेकिंग के लिए रखना है। चलें जी, ये लज़ानिया चला गया ओवन के अंदर और ये प्री हीटेड ओवन है और अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए ओवन में रखेंगे, ठीक है। तो व्यूज़, ये हमारा लज़ानिया रेडी हो गया है, ठीक है। 20 मिनट्स मैंने इसको बेक किया है और 5 मिनट्स के लिए मैंने ऊपर का ग्रिल ऑन किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इसको कलर आ गया, ठीक है। ऊपर मैं ख़ुद इसको बहुत ज़्यादा चीज़ को कलर नहीं दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा कलर वाला अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप इसको 10 मिनट्स ऊपर का ग्रिल ऑन कर दें। वैसे मैंने 5 मिनट्स के लिए ग्रिल ऑन किया। तो अब ये लज़ानिया रेडी है, आप सब इसको बनाइएगा और बना के इसकी रेसिपी ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में कि आपका लज़ानिया कैसा बना है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।